मैं आप लोगों को एक और ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने फाइवर का आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह आप फाइवर पर गिग बना सकते हैं और किस तरह आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, मीन किस कीवर्ड पे आप बना सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि हमेशा जब भी आप गिग बनाएं ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करें जो कि ऑलरेडी जिन पे बहुत ही कम गिग्स हों। अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड पे बनाएंगे जो जो कि ऑलरेडी उस पे 6,000 7,000 गिग्स हैं तो आपको ऑर्डर मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पे जाके भी आप ऑर्डर ले सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपवर्क की। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि फाइवर्स एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड मार्केट है जहाँ पे आप अपनी जो स्किल्स हैं वो बताते हैं और जो लोग जिनको रिक्वायर होता है आपकी स्किल के मतलब तो वो आपको ऑर्डर करते हैं, आपकी गिग को वो ऑर्डर करते हैं और इस तरह आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। इसी तरह ये एक और प्लेटफॉर्म है अपवर्क। अपवर्क भी फाइवर जैसा है लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे ऐसा होता है कि लोगों ने ऑलरेडी जॉब्स पोस्ट की होती हैं जो उनको चाहिए होती हैं। जैसा कि मैं तो हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अमेज़ॉन की स्किल्स सीखें, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट्स सीखें और उसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त दुनिया में उसकी डिमांड है। तो इसी तरह अपवर्क पे भी लोगों ने अमेज़ॉन के मतलब सर्विसेज रिक्वायर होती हैं, उनको अमेज़ॉन से मतलब रिक्वायर होती हैं। इसके अलावा उनको शॉपिफाई की रिक्वायर होती हैं, वर्डप्रेस की रिक्वायर होती हैं, इस तरह की सर्विसेज लोगों को रिक्वायर होती हैं तो उन्होंने ये पोस्ट की होती हैं अपवर्क पे। और वहाँ पे आप जाके आप उनको अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं कि जी मैं इस पे मैं ये आपके जो आपने रिक्वायर किया हुआ है मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं इतने चार्जेस लूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाना है। तो दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप अपवर्क पे अकाउंट बनाते हैं तो अपवर्क जो है वो आपका अकाउंट जल्दी अप्रूव नहीं करता। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि जब आपने अपवर्क पर अकाउंट बनाना है तो आपने वो ट्रिक इस्तेमाल करनी है। वो ट्रिक इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला आपका अकाउंट जो है वो विद इन 2 मिनट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो अपवर्क की वेबसाइट खोलने के बाद आपने साइन अप पर जाना है। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप गूगल जो ऑलरेडी आपका साइन इन है गूगल अकाउंट उसके साथ साइन अप करना चाहते हैं या आप अपना कुछ नया ईमेल देंगे। तो अगर तो आपका ऑलरेडी गूगल जीमेल अकाउंट बना हुआ है तो आप उसके साथ साइन अप कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी दूसरे के जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, आउटलुक है, कोई और ईमेल आईडी आपकी बनी हुई है तो आप उसके साथ भी इसको साइन अप कर सकते हैं। तो हम चलते हैं गूगल कंटिन्यू विद गूगल के साथ क्योंकि मोस्टली लोगों के पास जीमेल का अकाउंट होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा ऑलरेडी एक ईमेल है जिसके साथ मैंने साइन अप किया हुआ है तो इसलिए मैं अपना दूसरा ईमेल यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। ओके, मैंने अपना ये ईमेल सेलेक्ट किया है, इसके बाद मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है कि आप इस ईमेल का पासवर्ड दें क्योंकि ये डायरेक्टली गूगल के साथ साइन इन हो रहा है तो आपने वही अपना पासवर्ड देना है जो कि आपका जीमेल का पासवर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये अब आपसे आपका नाम पूछ रहा है, आप यहाँ पे अपना नाम दें। ये मैंने अपना नाम दिया। कंट्री सेलेक्ट करें, जो भी आपकी कंट्री है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, अगर कोई और है तो दूसरी कंट्री सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन हैं कि आप किसी को हायर करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए या आप एज अ
फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो आप एज अ फ्रीलांसर करेंगे। उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसको ये टर्म एंड कंडीशन जो है वो आप पढ़ सकते हैं और इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमें अगले पेज पर ले जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सारे जानते हैं कि आज का लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए अर्निंग करनी बहुत ही मुश्किल है, जॉब्स बहुत मुश्किल हो गई हैं। तो ऐसे मौके में आप कुछ कंप्यूटर से मतलब स्किल सीख कर ऑनलाइन अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए ये एक अपवर्क भी फाइवर की तरह के बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड वाइड यहाँ पे लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पोस्ट किए होते हैं, आप उनको अपना प्रपोजल सेंड करते हैं, उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कहेंगे। उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कहेंगे। इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप उनके साथ परमानेंट भी काम कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। ये कह रहा है ज्वाइन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर। यस, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप इसने दिखा दिया है, स्टार्टअप स्टार्ट माई प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि अपनी कुछ अपलोड योर प्रोफाइल अगर है तो आप कर लें, अगर लिंक्डइन में है आपकी प्रोफाइल तो वहाँ से कर लें, अगर आपने कोई रिज्यूम बना रखी है तो वहाँ से कर लें, लेकिन हम मैनुअली पे जाएंगे, फिल आउट मैनुअली। यहाँ पे ये पूछ रहा है टेल अस अबाउट द वर्क डू यू। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोगों का अकाउंट अप्रूव्ड नहीं होता, तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि 99% जिसमें अकाउंट अप्रूव होता है वो आप कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करें तो उसमें होता है, तो वो है मोबाइल डेवलपर की। आपने ये सेलेक्ट करना है वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपकी अगर कोई भी स्किल्स है, जैसा कि अमेज़ोन के मतलब आपकी स्किल्स है, तो आपने यहाँ पे वो नहीं लिखना, क्योंकि वो लिखेंगे तो ये मोस्टली फाइवर जो है, सॉरी अपवर्क जो है, ये अकाउंट प्रूव्ड नहीं करता। इसलिए आपने ये जो क्वेश्चन है व्हाट व्हाट इज़ द मेन सर्विसेज, मेन सर्विस यू ऑफर, इसमें आपने वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेलेक्ट करना है। आपका अकाउंट इंशाल्लाह ताला इसमें अप्रूव्ड हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट अ सब कैटेगरी में, ये आपके पास ऑप्शन है अगर आपने सेलेक्ट करना है सब कैटेगरी में, नहीं तो आप नेक्स्ट जा सकते हैं। नहीं, वो कह रहा है कि ये ज़रूरी है, तो आप इसमें भी लिखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिख देंगे या लिख देंगे वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद उसने कुछ टैग्स दे दिए हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किन किन चीज़ों के मतलब काम कर सकते हैं, तो आप टैग सेलेक्ट कर लें। ये जो जो टैग आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो ये नीचे ऐड करता जाएगा। आप इसमें कुछ टैग जो है वो सेलेक्ट कर लें जिनके जो आपकी एक्सपर्टीज़, आप बाद में भी अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। जब अकाउंट आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके बाद आप बाद में प्रोफाइल एडिट करके वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। कि यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो आप एक्सपर्ट पे जाएंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन आपने ऐड करनी है, इसको आप स्किप कर दें, या आप ये वैसे तो ऐड करने ज़रूरी हैं लेकिन मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। आप वो जो एजुकेशन का उसने पूछा, आप उसमें बताएंगे कि आपने फ़लां कॉलेज से, फ़लां यूनिवर्सिटी से ये वाली डिग्री की है। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूछ रहा है, अगर आपका कोई आपने एज आ फ्रीलांसर या मोबाइल डेवलपमेंट या किसी ऐसी आईटी कंपनी के साथ कोई जॉब की है तो उसके मतलब आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप ये पूछ रहा है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, तो यहाँ पे आपने इंग्लिश रहने देनी है। अगर आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज है, आप किसी दूसरी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं, फ्रेंच है, अरबिक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इंग्लिश के साथ इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ।
यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो फ्लुएंट है, बेसिक है, तो मैं इसको फ्लुएंट के साथ नेक्स्ट कर रहा हूँ। तकरीबन हमारे 7 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 12 स्टेप हैं। ये बहुत ही इजी है, आप इस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज जो है नंबर 8 वाला, इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि आप आवरली कितने चार्ज करेंगे, तो आपने यहाँ पे मिनिमम 20 लिखने हैं। ये अकाउंट अप्रूव होने के लिए आप ये 20 ज़रूरी है, इसमें हाई चांसेस हैं आपका अकाउंट अप्रूव होने के लिए। आप बाद में इसे कम भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ पे टाइटल एंड ओवरव्यू पूछ रहा है, टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपने अपना प्रोफेशनल जो भी है उसके मतलब आपने लिखना है कि आपको किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। आप अपना सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख देंगे, या आप 5000 करेक्टर लिख सकते हैं। और ये कोशिश कीजिएगा कि ये आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, ना कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट करें। आप दूसरों से आइडिया तो ले सकते हैं, लेकिन आप कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि सिस्टम इनके जो होते हैं बैक एंड पे, वो बहुत ही फास्ट होते हैं। वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसने किसी के जो है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो लिहाजा यही कोशिश किया करें हमेशा कि आप कॉपी पेस्ट ना करें, अपने वर्ड्स में लिखें, चाहे कम लिख लें। आप आइडिया दूसरों से लेके उन वर्ड्स को मिक्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन सेम आप कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें। तो ये लिखने के बाद जब आप नेक्स्ट जाएंगे, तो ये आपको प्रोफाइल फ़ोटो पर ले जाएगा। प्रोफाइल फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लोकेशन का होता है। लोकेशन पे आप इस्लामाबाद दें, या जो भी आपकी कंट्री है, जो मेन बिग सिटी है, वहाँ की लोकेशन दें, फेमस लोकेशन दें। छोटे शहर से अच्छा है फेमस लोकेशन दें। उसके बाद आपका वो फ़ोन नंबर को वेरीफाई करेगा कि आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दें। मैं नेक्स्ट इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन नंबर है उस पर ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं दूसरा उस पर अकाउंट नहीं बना सकता, इसलिए मैं इसी स्टेप तक रहूँगा। उसके बाद आप जब फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे, तो वो आपको सबमिट फाइल करने का पूछेगा। आप उसको सबमिट करें तो उसके साथ ही अब मैसेज आ जाएगा, उनका रिप्लाई कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब अकाउंट अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद आप लॉग इन करते हैं, तो आपके सामने कैसी प्रोफाइल आती है। अब मैं वापस इसके होम पेज पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी जो है वो अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं दूसरा अकाउंट नहीं बनाऊंगा। मैं अपने अब मैं इसको लॉगिन करने लगा हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट अपना क्रिएट किया हुआ है, उसके साथ लॉगिन करने लगा हूँ। ये मैं इसको कंटिन्यू विद ईमेल करूँगा। पासवर्ड ये मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव था पासवर्ड, तो ये मैंने इसको पासवर्ड एंटर किया। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि आपने प्रोटेक्ट योर अकाउंट के कुछ और साथ ऐड करना है। आई विल डू लेटर। तो ये मैं अपवर्क पे लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ मेरे सामने जो मैंने सर्चेज की हुई हैं, वो सारी जॉब शो कर रहा है। तो इस तरह से आप फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं, और आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और कि अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने फाइवर पर जॉब कैसे हासिल करनी है, प्रपोज़ल कैसे आपने सेंड करना है। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।